इट इज प्लीज ए उग्रवादी बोलने भी तू आगे भी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ ए उग्रवादी कटवे सर ये जो श्रेय जी प्लीज ये आतंकवादी है उग्रवादी है ये मुल्ला आतंकवादी है इसी बात को करने ना दी बाहर देखो इस मुल्ले को एनीथिंग रॉन्ग भारतीय जनता पार्टी लुच्चो लफंगों और गुंडों की पार्टी है तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुन कर आया है लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया गाली दे दी ऐसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं उन सब का अपमान है। मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई कोई कार्रवाई देखा आपने। तो ये एक अजीब बात है कि पूरे विपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो बर्खास्त करो बाहर करो और जहां बीजेपी का सांसद है वो किसी को गाली दे सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। अगर इस प्रकार की परंपरा शुरू हो गई है तो कल तो सदन में मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। दानी सदी को जिस तरीके से उग्रवादी मुल्ला आतंकवादी और एक शब्द गाली का ऐसा बोला गया जो मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता ये क्या भाषा है। प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सैंक्शन करते हैं आरएसएस में यही सिखाया जाता है यही संस्कार दिया है बीजेपी ने गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर हम लोग संसद में जाना छोड़ दें। तो ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।